सिंध हाई कोर्ट ने कराची में गैर कानूनी चार्ज पार्किंग के खात्मे और गैर कानूनी पार्किंग की मद में शहरियों से रकम बटोरने का खात्मा करने के अहकाम के बावजूद शहर में पार्किंग माफिया धड़ल्ले से काम कर रहा है। गैर कानूनी पार्किंग फीस बटोरने वालों का कहना है कि इन्हें कोई हुक्मनामा नहीं मिला। सर ये वो 20 रुपए लेते हैं ठेकेदार है, अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो हम खुद हट जाएंगे। ठेकेदार बोलेगा भाई हट जाओ, अभी ऑर्डर आया नहीं है। सर लगी कहाँ लगी है, हमारे को तो कोई खबर नहीं आया। अगर ऐसा कोई पाबंदी का हुआ मसला तो काम पे थोड़ी खड़ा होना। गैर कानूनी चार्ज पार्किंग के खात्मे के हवाले से अदालती अहकाम पर शहरियों ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। भाई ये तो पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ यार, चाहे पुलिस वाले हो चाहे यहाँ के जो करता धरता हो, सब ऐसा ही मामला है। पाबंदी लगाई है, पाबंदी पे अमल कौन करता है मुझे ये तो बताओ भाई। पार्किंग के भाई 20 रुपए दिए पाबंदी है, बस ये नहीं देंगे तो ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, फिर वहाँ 300 दो, 500 दो, 1000 दो, फिर परेशान भी करते हैं, खड़ा भी होना पड़ता है। शहरियों के मुताबिक चार्ज पार्किंग माफिया के खात्मे के लिए पहले भी अहकाम जारी किए जा चुके हैं, लेकिन खात्मा करने वाले इदारे खुद इस माफिया के सरपरस्त हैं। मुतालका इदारों की जिले इंतजामिया चार्ज पार्किंग माफिया से मुबैना तौर पर लाखों रुपए महाना वसूल करती है। कैमरामैन शफीक दिलशाद के साथ इमरान हफीज, डॉन न्यूज कराची। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।